जय हिंद दोस्तों। अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों इसको इतना शेयर कीजिएगा, हर एक इंडियन के पास ये वीडियो जानी चाहिए, क्योंकि आज मैं बहुत ही बड़ी सच्चाई आप लोगों को सामने लाने वाला हूँ। और ये सच्चाई एक ऐसी काली सच्चाई है जो है हमारी इंडियन मीडिया के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं ऐसी कोई एक न्यूज़ चैनल पर टारगेट नहीं करने वाला, सभी न्यूज़ चैनल की इसमें बात हो रही है। आज तक इंडिया टीवी और हमारे इंडिया में जितनी भी न्यूज़ चैनल चलती है, तो आज का टॉपिक ये है दोस्तों कि कितनी काली सच्चाई छुपी हुई है इन न्यूज़ चैनलों में, हमारे इंडियन मीडिया में। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों जिम से ही, क्योंकि जिम ही ऐसा एक सेक्टर बना हुआ है फिटनेस इंडस्ट्री जो 4 महीने से कोरोना से तो झेल ही रही है, लेकिन हम अपनी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। हमारे पास ना कुछ कोई ऑप्शन है पैसे कमाने का और ना ही दूसरा कोई सरकार ने हमारे लिए कुछ किया है। तो मैं आज वही मीडिया की पोल खोलने जा रहा हूँ। सबको मालूम है कि मीडिया अच्छे अच्छों की पोल खोलती है, चाहे वो क्रिमिनल्स हो, चाहे वो कोई भी कोभांड हुआ हो, बड़ा कोई भी दंगा हुआ, लेकिन आज हम लोग मिलकर हमारी इंडियन मीडिया की ही पोल खोलेंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं बात करता हूं दोस्तों लॉकडाउन की टाइम से, 22 मार्च से हमारे जिम बंद है। उसके बीच हम लोग ये नहीं जानते थे कि हमारे साथ ऐसा भी कुछ होगा। एक तो कोरोना हमें अलग से मारेगा और दूसरी आर्थिक तंगी जो जिम बंद होने की वजह से है, दूसरा हमारे पास कोई भी पैसे कमाने का ऑप्शन नहीं है। तो आज तक इंडिया टीवी सबको मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों ने कोरोना को तो एक बिजनेस बना लिया है। ओनली फॉर आप लोगों को मसाले वाली न्यूज चाहिए, जैसे कि इतने कोरोना केसेस हो गए, जो चीज हमको घबराएगी, मतलब हमारा मोरल तोड़ेगी। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि आज जिम खुल जाएंगे, कल जिम खुल जाएंगे, आज तो हमारी कोई मीडिया हमारे लिए एक गुड न्यूज लेके आएगी। लेकिन दोस्तों बताओ कि मीडिया ने हमारे लिए क्या किया, चाहे वो आज तक हो, इंडिया टीवी हो, बहुत ही बड़ी चैनल, तो आज तक ये बोलती है दूर दूर तक कोई नहीं जहां पर हम लोग हैं आज तक, मतलब दूर दूर तक उनके आसपास कोई नहीं होता है और आज तक होती है। तो एक बात पूछता हूं मैं उस इंडिया न्यूज चैनल से जो इंडिया की सबसे बड़ी मीडिया है, कि आप लोगों ने जिम के रिलेटेड कोई भी न्यूज क्यों अपडेट नहीं की। सभी कोई जानता है कि किसी की भी हमारी बात रखनी हो, लॉकडाउन में इतने लोग परेशान थे, कोई कहीं फंसा हुआ था, उन लोगों को यही मीडिया चैनल की तरफ से उनको मदद मिली, उनका ग्रोथ हुआ और वो लोग सही सलामत अपने घर पे आए। किसी के खाने के पास पैसे नहीं थे, कोई बच्चा विद्यार्थी फंस गए थे, लेकिन उन लोगों की मदद, इन लोगों की मैं भी एक बार सैल्यूट करता हूँ कि आप लोगों ने उस चीज को वहां तक प्रमोट किया। लेकिन आप लोगों का जिम से रिलेटेड बिजनेस, चाहे जिमनेजियम का दर्द नहीं दिखा, वो ऑनर्स, वो ट्रेनर्स और जितने भी उससे जुड़े हुए बिजनेस से, उन लोगों का दर्द नहीं दिखा। बात करते हैं 21 तारीख को जो वर्ल्ड बिगेस्ट प्रोटेस्ट हुआ था, मैं वहीं से शुरुआत करता हूं उस चीज को। वो प्रोटेस्ट में साथ भले ही हम लोगों को, बहुत कम लोगों को मिला, लेकिन आप लोगों को वो बात तो रखनी चाहिए थी। आप लोग एक तो चीज प्रमोट कर सकते थे हमारी, कि हमारी जो तकलीफ है वो पूरी इंडिया जानती है, सब कोई जानता है जिम बंद होने की वजह से क्या कुछ हमने झेलना पड़ रहा है। लेकिन आप लोग क्या कर सकते थे मैं आपको बताता हूँ। हमारे जिम 4 महीने से बंद है, 4 महीने का रेंट हम पे चढ़ा हुआ है, किसी ने भरा है, किसी ने नहीं भरा। और बोलना तो बहुत ही आसान है, कुछ लोग मुझे ऐसे बोलते हैं कि घर पे बैठो, अपनी जिम को बंद करो, खाओ पियो और कसरत करो। क्या बात है, यहाँ पर 2 वक्त की रोटी की हमें बहुत ही जरूरत पड़ रही है और उसका भी हम लोग इंतजाम कर नहीं पा रहे हैं। और आप लोग ये बोल रहे हो कि घर बैठो और एक्सरसाइज करो, कैसे दोस्तों हो आप लोग। और मैं पूछता हूँ इंडियन मीडिया से, क्या आप लोग ये नहीं बोल सकते थे, सरकार तक ये बात आप लोग नहीं पहुँचा सकते थे कि 4 महीने का जिमनेजियम का जो रेंट चढ़ा है, ट्रेनर्स की जो सैलरी नहीं मिल रही है, जो 4-4 महीने के लाइट बिल्स है, क्या क्या कुछ मैं बताऊं, रोज बताते बताते थक गया। इतना बड़ा हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, रोज पुणे में प्रोटेस्ट हुआ, मुंबई में हुआ, राजस्थान में हुआ, लोगों ने खड़े होकर भीख मांग के भी दिखाया। जी हाँ दोस्तों, भीख मांगी हमारी फिटनेस ट्रेनर्स ने, जिसमें मैं ऑनर हूँ, तो मेरे लिए बहुत ही ये डाउन मोरल वाली बात है कि हमारे ट्रेनर्स की ये हालत है। और हम पूरी फिटनेस इंडस्ट्रीज, हम खाली देखते ही जा रहे हैं कि हमारे इंडस्ट्रीज को क्या हो रहा है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो मैं ये मीडिया से पूछता हूँ, अगर आप लोग ये न्यूज़ प्रमोट करते तो आज हमारे फिटनेस इंडस्ट्रीज का
जो अभी ये हाल है वो शायद ना होता, क्योंकि आप लोग इतने बड़े चैनल हो, आप लोग इस वीडियो को प्रमोट करते हैं, कोई भी ऐसी सिचुएशन को, हमारे जो धीरू सिंह है उन्होंने सुसाइड भी कर लिया है, तो क्या बड़ी बात है? आप लोगों के लिए कुछ बड़ी बात नहीं है। अभी सुशांत सिंह ने सुसाइड किया, उनका मालूम था कि हाँ उन लोगों ने डिप्रेशन में थे, चाहे कोई भी कारण हो, तो आप लोगों ने उस मीडिया पे इतना चढ़ाया कि उसका अभी तक कोई फैसला नहीं है, लेकिन आप लोग वो न्यूज को रोज लाते हो। तो इधर तो आपको मालूम ही था कि इस सिचुएशन से वो लोग अभी गुजर रहे थे और उनकी मौत हुई हमारे धीरू सिंह की। अब मैं एक बात पूछता हूँ कि कोरोना वायरस में अमिताभ बच्चन ने नाश्ता किया, अमिताभ बच्चन उठ के पेशाब करने गए, ये सब न्यूज आप देते रहते हो, ठीक है, मैं कोई बात नहीं, आप लोगों को मसाला चाहिए ये तो मैं चीज जान चुका हूं। कभी आप लोगों ने ये बोला जो 10 लाख पेशेंट है हमारे इंडिया में उनके लिए दुआ कीजिए, खाली हम अमिताभ बच्चन के लिए क्यों दुआ करें? क्यों हम लोग 10 लाख जो बीमार है उनके लिए दुआ नहीं कर सकते एक बार? तो मैं यही बोल रहा हूं, आप लोग जिमनेजियम के लिए कुछ भी नहीं किए हो और यही आपकी सच्चाई है कि आप लोग बिकते हो पैसे पर। सभी इंडियन चैनल्स है, मैं बोलता हूँ सभी बिकती है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ऐसा दर्द ना दिखे मैं तो नहीं जान सकता दोस्तों, मैं कंपेयर भी नहीं कर सकता। मैं आप लोगों के लिए रोज इतनी गालियां खाने के बाद वीडियो लाता हूँ, इनकी आज तक की जो 35 मिलियन फैमिली है यूट्यूब पर दोस्तों, हर एक घंटे में 50 वीडियो अपलोड होती है। विकास दुबे ने गोली मारी, विकास दुबे की गाड़ी पलटी, विकास दुबे हथियार लेके भागा, विकास दुबे ये लेके भागा, पुलिस घायल हो गई। अरे यार, एक न्यूज को कितनी बार प्रमोट करोगे आप लोग? बस आपको वहां से भी व्यूअरशिप चाहिए और वहां से भी जो पैसे कमाएंगे, आप लोग सिर्फ अपना पैसा ही कमा रहे हो, ये बात पक्की हो चुकी है। तो यही मैं काली सच्चाई जो हमारी इंडियन मीडिया के बारे में बता रहा हूँ आज मैंने आपको बता दी। तो दोस्तों ये वीडियो रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि जिमनेजियम के लिए हमारी इंडियन मीडिया ने कुछ नहीं किया। एक हमारे प्रोटेस्ट का जो एक हिस्सा 21 तारीख का भी दिखाते तो लोगों तक ये बात जाते, फिल्म एक्टर सब कोई देखते हैं, क्योंकि ट्रेनर्स की हालत मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ से हम लोगों को सरवाइव करना इतना मुश्किल हो गया है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। तो प्लीज मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप लोग इतनी हमारी हेल्प कर दो तो हम थोड़ा सा सरवाइव करें। हमारे लिए कोई तो गुड न्यूज़, कोई तो किसी भी नेता के लिए पहुंचाओ जो कोई हमारे मदद में आए, क्योंकि अब जिम बन रहा है तो मैं सच में बोल रहा हूँ, जितने भी फिटनेस ट्रेनर्स है ऑनर्स है वो आगे सरवाइव नहीं कर पाएंगे अगर हमारा गुस्सा हद से गुजर जाएगा। फिर आप लोग मीडिया ही हो, कुछ नहीं कर पाओगे, हम जो कुछ करेंगे हम अपने खुद कर लेंगे। तो ये वार्निंग है इंडियन मीडिया को, प्लीज़ जिम की भी न्यूज़ दिखाई जाए इंडियन मीडिया पर। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।